तो बोलो, early to bed and early to rise makes a man healthy and wealthy and wise. ठीक है, जाओ ये प्रैक्टिस जरूर करना. ओह हाय, हेलो हेलो गाइस, दिस इज साइथ एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द कैमरा इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड आदि. गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो कि डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो. गाइस, हम लोग एज यूजुअल मैक्सिमम ऑफ अस लेट नाइट तक जागते हैं और 8 बजे, सुबह के 8 बजे, 9 बजे, कभी भी 10 बजे उठते हैं, 7 बजे भी उठते हैं, लेकिन हमको ये करना नहीं चाहिए. मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो है वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई भी लेट नाइट तक करना नहीं चाहिए, बिकॉज 24 घंटे के अंदर आप लोग, स्पेशली मैं भी, मेरे साथ जो दोस्त सब वो बहुत सारे इंसिडेंट से गुजरते हैं जो कि मेरे दिमाग पे, आप लोगों के दिमाग पे एक असर पैदा करता है और रात को वो थक जाता है. अगर उस वक्त आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा, काम का टाइम वेस्ट होगा और कुछ और होगा. सो आपको ये करना पड़ेगा, आपको 9 से 10 बजे के अंदर, 9 to 10 इसके अंदर आपको डिनर करके थोड़ा घूम फिर के लेना चाहिए. उससे आपको जो डाइजेस्टिव है वो काम करेगा, जल्द से जल्द काम करेगा, और उसके बाद आपको बेड पे जाना पड़ेगा. एंड अगर आप 10 से 11 बजे के अंदर बेड में चला जाए तो आप डेफिनेटली सुबह 4 से 5 बजे के अंदर उठ पाएंगे, अगर आप चाहे तो. गाइस, 4 से 5 बजे के अंदर उठने के लिए जो करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट इज आपको अलार्म तो देना पड़ेगा, लेकिन अलार्म से काम नहीं होता. अगर आप आपके पिलो के साइड पर अलार्म रखेंगे, अलार्म मोबाइल हो या क्लॉक हो, जो भी हो रखेंगे, तो जब अलार्म बजेगा तो आप क्या करेंगे, आप उठ के वो अलार्म को ऑफ करके और फिर से सो जाएंगे. ये अगर होगा तो काम नहीं होगा. सो अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, जो अलार्म क्लॉक है और जो मोबाइल है वो अलार्म टाइम सेट करके आपको बेड से दूर जाके रखिए, ताकि जब अलार्म बजे तो आपको बेड से उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर अलार्म ऑफ करना पड़ेगा. इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर आप चाहें तो आप उठ सकते हैं. यह है फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम लोग बेड में जाने से पहले टॉयलेट करते हैं, बाथरूम फ्रेश हो जाते हैं, बाथरूम वगैरह जो भी है सब करते हैं, वो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एज मच एज यू कैन जो पानी है वो पीना पड़ेगा. जितने भी आप चाहिए तो जितने भी आप कर पी सकते हैं वो पी लीजिए, ताकि तब आप बेड पे जाके सो जाइए. इससे क्या होगा, सुबह बिटवीन 4 और 5 इसके अंदर आपको बहुत जोर की प्रेशर पाएगी, उफ ऐसा फील होगा आपको, जो कि आपको नींद से उठने के लिए फोर्स करेगा. इससे आप अगर नींद से उठ जाए, बाथरूम तक जाना पड़ेगा, टॉयलेट करना पड़ेगा, इससे आपका नींद बहुत डिस्टर्ब होगा. अगर आप चाहें तो आप तब उठ सकते हैं. सो ये जो 2 पॉइंट मैंने आपसे बोला, आपसे शेयर किया, अगर ये चीज़ आप करेंगे लगातार 1 हफ्ते अगर करें, इसमें से कोई भी एक अगर 1 हफ्ते तक करें, तो आप हैबिचुएट हो जाएंगे अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज के लिए. गाइस, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी कभी जल्द से जल्द सो नहीं पाते, कभी भी रिलेटिव्स आ जाता है, कभी भी कुछ काम के लिए होते हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है. लेकिन अब जब भी सोए, अब कोशिश ज़रूर करिएगा कि अर्ली टू राइज करने के लिए जल्द से जल्द आपको बेड से उठना पड़ेगा. इससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आप उठने के बाद आप एक्सरसाइज वगैरह, पढ़ाई सब कुछ कर पाएंगे, बिकॉज एट डॉन, एट 4 और 5 PM, सॉरी 5 AM, ये जो टाइम है ये चारों तरफ बहुत शांत रहता है. आप कोई भी काम फुल मेडिटेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाएंगे. ये आपका मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ये भी काम.
सो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, अगर मेरे हेल्प मेरे टिप्स आपको काम आए तो ये है मेरा अचीवमेंट, बिकॉज मैं भी इसे प्रैक्टिकली कर चुका हूँ और इसका रिजल्ट मैं आज देख पा रहा हूँ। मेरे फैमिली, मेरे दोस्त सब इसके अंदर गुजर रहे हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों की अगर ये चाहते हैं तो आप ये करें, आपको ज़रूर आपका रिजल्ट मिलेगा। एंड साइंस के एज ए साइंटिफिक कॉज, साइंस के साइंटिस्ट ने कहा है कि किसी भी नई चीज़ को हैबिट करने के लिए 21 दिन लगते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अगर आप 21 दिन तक करें आपको ये चीज़ हैबिट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और हम लोगों को हेल्प करें कि हम लोग इसके बाद कुछ और टिप्स और कुछ और वीडियो आपको दिखा सकें। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी न्यू ईयर।